चला तब बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो, मेरे मृत्यु के दिन नजदीक आ गए हों। पिया जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिया जी आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं, आप एक काम करिए, आप नीचे बैठिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, पिया जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुन ले। कहिए। ओए सावत्री मेरे प्राण काट कोए रेले जाना चावे से। नहीं स्वामी। ओए मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा दुश्मन काल लहू देही का, दुश्मन काल लहू देही का, मेरा चाटन ने ओरिया से लेके कुलाड़ा आड़ मेरे कोए काटन ने ओरिया से। सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने ओरिया से, मेरा जी लिकड़ा मैं मरा पड़ा सिरे पाटन ने होरा से रे पाटन ने होरा से। बेरी की सा दर्द जिगर ने, बेरी की सा दर्द जिगर ने, ओए चूट चूट खावे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से रे चक्कर सा आवे। कुलाड़ा गैर लोभ की ओ ओ हो रे, ओ एक कर्म कुलाड़ा गैर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे। ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चल्या रे। अंधे मात पिता ने छोड़ के मैं निर्भाग चला रे। सावत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे, सती सुहाग चला रे। बेसमझे बेपरख कहेंगे, बेसमझे बेपरख कहेंगे, कह के सत्यवान एकदम तो फटका खा के नीचे गिर जाता है। और सावित्री ने सत्यवान का सर अपने गोडे पर धर लिया कि मैं देखती हूं कि आज कौन लेके जाओगा। सजनों यमराज आया, यमराज के और सावित्री के क्या क्या सवाल जवाब हुए मातों बहनों सुनना, देखना हिंदुस्तान की वीरांगना क्यूकर क्यूकर यमराज को अपनी बातों के जाल में फंसा के अपने पति के प्राण के साथ साथ और क्या क्या ले लेती है। आइए किस प्रकार से चलिए।
यमराज ने आत्मा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। डुकी महाराज। बेटी तूने किसका हाथ पकड़ा है तुझे पता है? क्या तूने मुझे देख लिया? जी बिल्कुल महाराज। ऐसा पहली बार हुआ, कोई भी नहीं देख सकता यमराज को, लेकिन सावित्री ने रूबरू देख लिया। क्यों? क्योंकि निर्जला एकादशी ग्यारस माता के व्रत करे थे एक साल तक। बेटी अगर तूने मुझे देख लिया तो मेरा परिचय भी सुन, मैं यमराज हूं। ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। हाय हाय, तेरा पति है? जी। हे लाडो, यो तो मर लिया। नहीं महाराज। इसके गिनती के सांस पूरे हो चुके हैं। नहीं महाराज। अब तो तेरे सामने मिट्टी पड़ी है। मैं यमराज हूँ, जब तक तू इसके कने बैठी है मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि निर्जला एकादशी माता के महात्म के कारण तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म कर देगी। मैं आपकी आगे हाथ जोड़ी हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण पक्ष दीजिए महाराज। लाडो, जिसकी उम्र पूरी होगी, अरे खाली रह गया पिंजरा, हंसा चला गया उड़ के, जाए पाछे फिर कोई आया नहीं मुड़ के, पांच तत्व जुड़ के यो काया का स्थूल है, सुनता ना कोई तेरा रोना फिजूल है। तेरे रोने के आगे मेरा अगर कोई प्रभाव। महाराज यमराज कर रहे, थोड़ा सा ख्याल कीजिए महाराज, अभी तो हमारी शादी के पूरे एक वर्ष हुए हैं। एक साल पति का सुख भोग लिया और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं। लड्डो, दुनिया में ऐसी भी तो लड़की है, एक दिन सुहागण और दूसरे दिन अभागण, तेरी किस्मत में यही था लाडो। नहीं महाराज। अब मैं निवेदन करता हूँ तुझसे, तू बड़ी धर्मात्मा है, समझदार है, इसके शरीर से तू अलग हट जा। नहीं महाराज। और मुझे मेरा कर्तव्य काम करने दे, तू तेरा काम कर, लकड़ियां कटी पड़ी इकट्ठा कर, इसकी अंत्योष्टि भी करनी है, इसके सगे संबंधियों को बुला ले, रात होने वाली है, फिर चिता का समय निकल जाएगा, हट जा बेटी। नहीं महाराज। अरे नहीं। सावित्री जिद मत कर, बच्चों की तरह हरकत मत कर, जिसका जितना बकाया सांस था वो पूरा करके जाता है, ये प्रकृति के नियम है। अलग हट जा बेटी, अलग नहीं, हट जा। नहीं। अलग हट। नहीं। अरे सावित्री मेरी बात सुन, अब सावित्री उल्टी हट जा। उल्टी? यहां तक तेरा फर्ज था। नहीं महाराज। अब उल्टी हट जा। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। सावित्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। नहीं ले सकता, तुझे भी पता है महाराज। बेटी तो आप मेरे भी प्राण निकाल लीजिए महाराज। अरे मैं चाह के किसी के प्राण ले नहीं सकता और चाह के किसी के दे नहीं सकता। इस दुनिया में महाराज बिना पति के जीकर के मैं क्या करूंगी? कि तू एकली है। अरे दुनिया किसी के मरने से दुनिया नहीं रुकया करती, पागल मत बन, मर गया तो मर गया, अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करना। नहीं महाराज। क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज।
तेरी पति का तो रोड़ा है यो, पति नहीं मिलेगा। अच्छा एक काम कर, खड़ी हो। क्यों? कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। एक काम कर, वो गुलाब का फूल खिल रहा है, खड़ी हो, उस फूल को तोड़ के ला। जब तक तू वापस आएगी मैं तेरा पति जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज। कैसा? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। बड़ी चालू है तू तो, समझ गई। देख बेटी, मैं तुझे जो कहेगी वो दे दूंगा, जो कहेगी दे दूंगा। तो मेरे पति के प्राण दीजिए महाराज। तेरे पति के पाछे तो दू, पति को छोड़। सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हर किज को ना टाल करूं। दिखे पहली वचनी, पहली वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाली करूं। पहली वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। ले तो वचन ले दीजिए महाराज। एक दो तीन जी। सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जावान वस्ता जति पति बिन, मोक्ष बता किसे डारे करूं। जवान वस्ता जति पति बिन, मोक्ष बता किसे डार करूं। ओए भले बुरे कर्मों का लेखा, रे 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 रे। ईश्वर के घर छट जा, है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा पट जा। अगर तू हमें तेरे पति की आत्मा को ले जाने देगी, हम तुझे तीन वचन नहीं तीन वरदान दे देंगे। पर तू भी एक वचन दे, तीनों वरदानों में अपने पति को नहीं मांगेगी। दे वरदान, दे वचन। मत करिए महाराज। वरदान तो मैं दूंगा, तू वचन दे, इसको नहीं मांगेगी। और मैं वचन देता हूं, रहम को ना मेरे, जिसका कोई मरे हर आदमी कहेगा हे भगवान, हे यमराज, ये बूढ़े में प्राण फूंक दे, छोरे का ब्याह देख के मर जाएगा। मैं नहीं सुनता किसी के ऊपर, रहम नहीं करता। रहम करूं तो दुनिया कितनी हो जा, ये तो नियम है प्रकृति के। एक वचन दे, अपने पति को छोड़ के इस कायनात की जो भी चीज मांगेगी, यमराज का वचन है, मैं दे दूंगा। तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू, तो ठीक है महाराज, लीजिए आप वचन, में अपने पति के प्राण नहीं। बन गया काम। यकीन मेरा, दिखे राज मिले, अरे राज मिले, और नैने खोल दो वो ससुरा ने तरई ने मेरा। राज मिले और नैने खोल दो वो ससुरा ने तरई ने मेरा। ये तेरा पहला वरदान। जी महाराज। चाहती है कि तेरे जो ससुर है, हाँ, यानी कि इसका पिता जी, वो कभी राजा हुआ करता था जी महाराज। चोंडा राय मंत्री ने राज खोस लिया, हाँ। वो राज दिला दो जी, और साथ में तेरे सास ससुर की आंखें दे दो, आंखों की रोशनी। जा बेटा, तेरा पहला वचन दिया, तथास्तु। ठीक है महाराज। है ऐसे ही होगा सावित्री, जा ऐसे ही होगा सावित्री, इब देख लिए
तू सीन मेरा दिखे बिना पति के श्रीमान बनली होगा कटी बली ने मेरा बिना पति के श्रीमान बने होगा कटी बली ने मेरा ओए जी तुसी की होती है जी तुसी की होती है जो सत के ऊपर कट जा अरे उस मानसी का की कर ले जो कही बात ने